फाइनली पहुंच गया हूं मैं डायनामिक राइडर्स और अब जाते हैं अंदर। मैं यहां पे क्यों आया हूं वो भी आपको बता देता हूं। मेरा हेलमेट आ गया है, स्टील बर्ड का HF हैंड्स फ्री हेलमेट, और ये अपना अड्डा है, सब बाइक्स देख सकते हो आप। और लेट हो गया, इसने अनबॉक्सिंग कर भी दिया यार। और ये मेरा हेलमेट है स्टील बर्ड का, पकड़ो ना एक बार ना ऐसे। तो उसका अनबॉक्सिंग करेंगे क्या अभी? तो इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग हो गया है लेकिन थोड़ा आपको डिटेल दे देता हूँ। और रेड कलर में है ये, देखो ये निंजा 400 है। दिस इज़ ऑल्सो फॉर सेल, अगर आपको होना बोले तो कांटेक्ट कर सकते हो वरुण भाई से। और यहाँ पे टाइगर, इसको कौन नहीं जानता यार। लुक जो है ना वो काफ़ी प्रीमियम है, आपको दिख रहा होगा नज़दीक से, भाई दिखा दे नज़दीक से। और जो कलर है ना वो कलर रेड कलर में, इसमें 6 कलर्स अवेलेबल है, रेड ब्लैक एंड वाइट। एंड इसमें बाकी का 3 कलर हो रहा है, डैशिंग रेड, डैशिंग ब्लैक एंड डैशिंग वाइट। तो 6 कलर हो गए। लेकिन अभी अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ पे 3 कलर अवेलेबल है। और इसका प्राइस सबसे पहले आपको बता दूँ, 2589 रुपीज़ इसका प्राइस है। और अब आपको इसके फीचर्स बताता हूँ। इसमें आपको दो तरह का वाइजर मिलेगा, एक तो क्लियर स्क्रीन वाइजर मिलेगा और दूसरा स्मोक वाला। अब ये एक बार उतार देता हूँ। हाँ, इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपको एक QR कोड दिख रहा है ना, ये QR कोड आप स्कैन करके इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक आपको OTP आएगा। वो OTP भी आप यूज़ करके, इनका कुछ चल रहा है कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ थिंग, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, QR कोड तो बाद में स्कैन करूँगा। ये इसको अभी यहाँ पर रख देते हैं, नीचे मत गिर भाई। तो इसको उतार देते हैं और अब आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और पीछे से भी देख लो, स्टील बर्ड का ब्रांडिंग है यहाँ पे पीछे, है ना। हाँ चलो, और अब आपको बता दूँ कि जैसे मैंने आपको बताया इसमें क्लियर स्क्रीन भी मिलता है और इसमें आपको स्मोक वाला वाइजर भी मिलता है। आई थिंक दिस वन इज़ नॉट यूज़फुल इन द नाइट राइड, और ये ज़्यादा स्टाइलिश दिखता है। और अब आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ, इसका अंदर से भी देख सकते हैं। और ये जो अंदर का मटेरियल है आप इसको निकाल भी सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से ओपन भी हो जाएगा और इसको वॉश भी कर सकते हो आप, वॉशेबल है। यहाँ से भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, या आप इसको वॉश भी कर सकते हो ओपन करके। यहाँ पे आपको, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा यार और, तो ठीक है आप इसको बंद कर देते हैं एक बार। और सबसे जो जिस चीज़ के लिए ये फेमस है हेलमेट, वो है इसका, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है स्पीकर, और ये दूसरा वाला ये साइड का स्पीकर है। रोहित भाई बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हम लोग GoPro से शूट कर रहे हैं तो इसका एक फ़ायदा है कि इसको कहीं भी घुसा सकते हैं हम लोग। और अंदर का जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा है। और बाहर से आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे वेंट्स है, यहाँ पे भी एयर वेंट है, इसको आप ऑन ऑफ जो भी आप कर सकते हो, अगर आपको हवा थोड़ी आनी है तो ये इसको ऑन ऑफ कर सकते हो आप। और यहाँ पर भी एयर वेंट है, और नीचे आप देखोगे यहाँ पर भी एयर वेंट है, इसको भी थोड़ा आप ऊपर नीचे कर सकते हो। मुझे ज़्यादा एयर वेंट से ज़्यादा ये स्टाइल के लिए दिया जैसा दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे भी थोड़ी एक डिज़ाइन दी गई है, एंड बाकी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेना जब खरीदते हो। तो उसमें लिखा है डज नॉट प्रोवाइड एनी एडिशनल प्रोटेक्शन टू चिन फ्रॉम इम्पैक्ट्स। तो ये नॉर्मल अंदर से है, यहाँ पर कुछ आपको पैडिंग वगैरह कुछ मिलेगा नहीं। वैसे मेरे MT हेलमेट में पैडिंग तो नहीं है सामने, लेकिन थोड़ा स्टडी दिखता है वो। और ये जो आपको बता दूं कि ये वाला जो माइक है ये वाटरप्रूफ बोल रहे हैं, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं चेक नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे हिसाब से वाटर रेसिस्टेंट तो पक्का रहेगा। और वैसे भी हेलमेट के अंदर पानी जाएगा कहाँ से। ये इस तरह का बकल दिया उन्होंने जो इजी टू यूज़, आप इसको ओपन करोगे निकल जाएगा। लेट से अगर आपको एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना करे एक्सीडेंट हो आपका, लेकिन अगर कभी हो गया तो इसको आप जस्ट नीड टू पुल इट आउटसाइड। आपको करना क्या है, इसको पुल करना है बाहर,
ऐसे खींचोगे अपने आप निकल जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टील बोर्ड का ब्रांडिंग दिया है, और बाकी सब कुछ ठीक है यार, एक एवरेज हेलमेट है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है, सुंदर दिखने में है। अब आपको दिखाता हूँ इसका जो हैंड्स फ्री, इसका नाम है HFSBA1, HF का मतलब है हैंड्स फ्री। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ लगाया हुआ, तो यहाँ पे नीचे एक बटन भी दिया है, वो बटन इसलिए दिया है कि आप कॉल रिसीव कर सकते हो, कॉल कट कर सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो। और यहाँ पे 3.5 mm का जैक है, आपको जैक भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको इसके साथ ही जैक दिया गया है। तो उसको एक बार मैं ओपन करके इसको निकाल लेता हूँ, ये वाला दोनों साइड में आपको ऐसा वाला 3.5 mm का जैक मिलेगा। आपको करना क्या है, ये वाला जो ऑप्शन है इसको अंदर लगा देना है और दूसरा साइड आपको फ़ोन में लगा देना है। अभी आपको मैं इसका म्यूजिक भी सुना दूंगा, लेकिन इससे पहले कि म्यूजिक सुनाऊं आपको मैं ये बटन के बारे में बता देता हूँ। ये बटन आप एक बार प्रेस करोगे तो आपको म्यूजिक ऑफ हो जाएगा, दूसरी बार करोगे तो म्यूजिक ऑन हो जाएगा। और लेट से अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो उस टाइम पर आपको कॉल आ गया तो आपको सिर्फ एक बार इसको दबाना है, सेम आपका जो हेडफोन होता है ना उसके जैसे काम करता है, आपको कॉल आता है तो आप इसको एक बार दबा दीजिए, कॉल आंसर कर पाओगे। और कॉल आंसर करने के लिए आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पे स्पीकर्स है। और अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मुझे भी नहीं पता है कि इसका माइक कहाँ है, लेकिन हम जो कॉल लगा के टेस्ट करने वाले हैं देखेंगे माइक कहाँ है, यहाँ कहीं पर इसका माइक होना चाहिए। तो आप और इसको आप हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, मैप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, म्यूज़िक के लिए, यूट्यूब के लिए, MP3 के लिए सब कुछ यूज़ कर सकते हो। लेकिन ओके, और इसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा दो जो कुशन्स रहते हैं इसको लगाने का, जो स्पीकर है उसको थोड़ा ऊपर लगाने का, वो भी आपको इसके अंदर दिए गए हैं। और ये है देखो एक्स्ट्रा कुशन, ऊपर दिखा दो, ये वाले इसके साथ ही आते हैं। और इसके ऊपर थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हो, और इंशाल्लाह तो कॉल भी करेंगे अपन। क्लैंप लगाऊं? हाँ क्लैंप लगाओ, ये लगा देते हैं यहाँ पे 3.5 mm जैक। और अब हम कॉल करेंगे ईशान भाई को, ईशान भाई आप कहेंगे ये रोहित भाई का फ़ोन है, इस पर कॉल करेंगे, ईशान भाई से बात करेंगे, और मैं दूसरे फ़ोन पे रहूँगा और मैं लाउड स्पीकर पे रहूँगा, ठीक है? तो ईशान भाई पकड़ो इसको, आपको कॉल आंसर करना है, ये मेरा फ़ोन है, इससे कॉल करने वाला हूँ। रोहित भाई, भाई ईशान आवाज़ आ रही है क्या? आराम से आवाज आ रही है अच्छी? देयर इज नो डिस्टरबेंस फ्रॉम आउटसाइड, कुछ भी नहीं है ना? हाँ। और अभी एक थोड़ा म्यूजिक भी आपको चला के सुनाता हूँ, तो वहीं पे रहो, मैं कट कर दिया कॉल। ईशान भाई तो किराक दिख रहे मार्वल एडिशन है। तो रोहित भाई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, और हमने मतलब बीच बीच में जैसे हम लोग इसको सेटअप कर रहे थे उस टाइम पे मैंने म्यूजिक चला के देखा भी था। तो कैसी आ रही आवाज़, यू आर एबल टू हियर अस? सुन रहा है, यू आर एबल टू हियर मी? हॉर्न बोले तो सुनाई देगा, आपके बाजू तो थोड़ा ऊपर उठाओ उसको, अब बोलो क्या बोले? हॉर्न बोले तो सुनाई देता मगर आपका वॉइस जो है ना वो जितना क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, तो ईशान भाई क्या बोल रहे हैं, अगर कोई पीछे आगे से कहीं से भी बाइक वाला कार वाला जब हॉर्न मारता है तब सुनाई देता है, लेकिन हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं वो सुनाई नहीं देता। इसका मतलब आपको बाहर ही कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, जब भी कोई व्हीकल अगर आपको आगे से पीछे से कोई भी हॉर्न मार रहा है तो उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा। ईशान आपको करना क्या है, आवाज़ आ रही है? यू नीड टू चेंज द ट्रैक, डबल प्रेस दैट बटन, एक सेकंड, डबल प्रेस हुआ, चेंज हुआ। हाँ, तो जिसमें आपको बताया कि दो बार आप बटन को दबाओगे यू विल बी एबल टू चेंज द ट्रैक, और एक बार आप दबाओगे तो कॉल भी। तो आपको फिर से मैं कॉल करता हूँ, आप उठाना, यू हैव टू यूज दैट बटन। तो मैं अभी वापस कॉल कर रहा हूँ। आंसर द कॉल, हेलो, आंसर हो गया? yeah. हाँ, तो एक बार आपको प्रेस करना है कॉल को आंसर करने के लिए, डिस्कनेक्ट करोगे, देखो कट भी हो गया। तो ईजी सिंपल प्रोसेस है आपको अगर कट करने के लिए, नॉर्मल वही हेडफोन आप यूज़ करते हो वैसे इसको आप यूज़ करना है, ठीक है? ईशान भाई निकाल दो, और क्लैंप निकालना भी कितना ईजी है, बस ख़त्म। और ये मीडियम साइज़ का हेलमेट है, आप देख लो हमारे ईशान भाई का सर कितना बड़ा है, अगर वो साइज़ आपकी है तो ये मीडियम साइज़ 580 mm आई थिंक। थैंक यू ईशान भाई, थैंक यू सो मच। तो वरुण भाई भी ट्राई कर रहे हैं, आप देख लीजिए। आप वरुण भाई कैसा है म्यूजिक? टू गुड, टू गुड ना, यहाँ म्यूजिक चल रहा है। ट्रैक चेंज करो, डबल प्रेस दैट, उसको एक दे बटन, हाँ देर ओनली, प्रेस दैट ट्वाइस, चेंज हुआ, शाबाश।
सो फार गुड फीडबैक फ्रॉम एवरीबडी. साउंड इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन इसका बेस है वो बहुत अच्छा है. साउंड ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो अभी तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप ईयरफोन लगा भी नहीं सकते, लेकिन ये जो ISI सर्टिफाइड है और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है तो उसका उतना इश्यू होगा नहीं आपको, तो आप लगा सकते हो और म्यूज़िक भी सुन सकते हो पुलिस वाले.